नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शमशेर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। प्रयागराज नैनी क्षेत्र के TSL भंडार केंद्र विद्युत स्थित मरम्मत कार्य हेतु रखे गए ट्रांसफार्मर पावर हाउस वर्कशॉप गोदाम में लगी भयंकर आग। इस वर्कशॉप में 10 से 250 केवीए ट्रांसफार्मर की मरम्मत होती थी। लोगों की जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे की घटना बताई जा रही है। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हुई। सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक के बीच में जेई संतोष साहू एवं एसडीओ राकेश कुमार वर्मा द्वारा जेसीबी की व्यवस्था नहीं कराई जा पाई। वर्कशॉप में एल्यूमिनियम तार ट्रांसफार्मर ऑयल होने के कारण आग तेजी से फैलती गई और सभी कुछ जलकर राख हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद एवं फायर ब्रिगेड के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही नैनी थाना क्षेत्र प्रभारी मौके पर पहुंचे। अभी तक कितने रुपए का नुकसान हुआ है यह अनुमान नहीं लगाया जा सका। चारों तरफ धुआं ही धुआं छा गया। आग की सूचना मिलते ही काफी भीड़ जमा हो गई। इलाकों में हड़कंप मच गया। प्रयागराज से मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। सर, ये आग कितने बजे तक लगी? 9 बजे लगभग। 9 बजे अनुमानन कितने का नुकसान हुआ होगा? अभी और आग किस कारण की वजह से लगा है तो बता पाएंगे इसके बारे में? अभी तो कोई कारण नहीं। अब तो हम लोग सुबह सुबह खुद ही उठ के चले, कैसे तो लगा आग। आपको सर कितनी बजे सूचना मिली? हो गई 9 बजे। स्टाफ से काम भी कर रहे थे। सर आपका नाम? संतोष कुमार। यहाँ किस जी लेकिन अब धीरे धीरे वो कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि ऑयल है ना। हाँ, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कितनी लमसम आ चुकी हैं अभी? 10-12 गाड़ियाँ। भैया कितने लमसम कितना नुकसान अधिकारी ही बता पाएगा। फिर भी आप लोग के अब हम लोग क्या इसका बताया, अभी जितना टन होगा वह मान लीजिए स्क्रैप है। ये माल स्क्रैप का ही रहा है। स्क्रैप ऑयल के कारण हुआ है? ऑयल तो टोटल रहता ही है। ऑयल ही और जो तारें रखी पड़ी वो कॉपर है या एल्युमिनियम? एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर रिजेक्ट मटेरियल है।